जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। विस्तार युवती के कमरे में घुसे वो था। कोरोना से बचाव के लिए पिलाया गया काढ़ा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जॉइंटस ग्रुप ऑफ कामवान द्वारा वैद्य रूप बसंत सैनी के निर्देशन में आज शनिवार को खंडेलवाल धर्मशाला के पास काढ़ा पिलाया गया। जॉइंटस ग्रुप ऑफ कामवान के अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि विश्व भर में कोरोना वायरस ने अपना पैर पसार लिया है, जिसके चलते कोरोना वायरस के बचाव के लिए औषधीय काढ़ा पिलाया जा रहा है। बताया कि समाज सेवी संस्था जॉइंटस ग्रुप ऑफ कॉमन द्वारा वैद्य रूप बसंत सैनी के निर्देशन में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान जॉइंटस ग्रुप ऑफ कामवान द्वारा लोगों से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में सहयोग करने और घरों में रहने की अपील भी की गई। भरतपुर से राकिब खान कामा की रिपोर्ट। संक्रमण से बचाने के लिए जॉइंट्स ग्रुप ऑफ कामवान ने औषधीय काढ़े का आज वितरण किया है। वैद्य रूप बसंत सैनी के निर्देशन में जॉइंट्स ग्रुप ऑफ कामवान ये औषधीय काढ़े का वितरण कर रहा है, जिससे संक्रमण को हम हरा सकें। कोरोना वायरस को हराना है, जनता कर्फ्यू को सफल बनाना है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि कल आप प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अपने घरों पर रहें और जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं। इसी के साथ जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल के ऐप को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। एक बार फिर दिन भर की खबरों के साथ आपसे मिलते हैं।